तो वैसे तो 2024 की जितनी भी बड़ी साउथ की मूवीज़ आने वाली थी ऑलमोस्ट सारी रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक दो मूवीज़ बच रही थी जिनका कंफर्म नहीं था कि वो इसी साल आएंगे या अगले साल आएंगे। हालांकि जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ गेम चेंजर, वो मूवी इस साल ही आनी थी, लेकिन जब डायरेक्टर की जो प्रीवियस मूवी थी इंडियन 2, जिसको बहुत ही ख़राब रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे, तो उसी को देखते हुए कुछ गैप लिया गया बीच में। दैट्स वाई मूवी अब 10 तारीख 2025 में आ रही है जनवरी में। तो मूवी बहुत टाइम से बन रही है, 2021 से पहले से बन रही है एंड फाइनली अब जाकर रिलीज़ हो रही। तो मूवी डिलेड थी कुछ ही कारणों की वजह से। तो मूवी की हाइप इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्ट कर रहे हैं इसको वो है शंकर। यार क्या ही बताऊँ, शंकर जो ट्रू सिनेमा लवर, उनको पता है कि शंकर किस लेवल के डायरेक्टर हैं। चाहे आप उनकी नायक मूवी देखो जो हिंदी में इतनी फेमस है, अनिल कपूर वाली एक दिन का सीएम, उनकी मूवी के कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं। चाहे आप रोबोट देखो, अपने आप में एक उस टाइम पे हट के मूवी बनाई थी, देन आई मूवी देख लो, शिवाजी द बॉस देख लो, तो एक माल मसाले के साथ जो एक हट के कॉन्सेप्ट लाते हैं वो, तो उनकी कला उसमें माहिर ही है वो। एंड जो अब साउथ के डायरेक्टर कुछ फेमस हो रहे हैं उनसे पहले के वो डायरेक्टर हैं एंड वो ऑलरेडी पैन इंडिया मूवी बना चुके हैं जो हिंदी में भी फेमस है। दैट्स वाई जीनियस है शंकर। बट रिसेंटली एक तरह से उनका जादू सब खो गया है, क्योंकि अगर आप अभी देखो इंडियन 2 तो बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स उसको मिला है। खैर, तो ये एक ऐसी मूवी है जो मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी साउथ की मूवी जो इस साल आएंगी, उस तो उसमें से एक मूवी ऐसी है जो अब इस साल नहीं आ रही है, नेक्स्ट ईयर ही आ रही है। हालांकि फर्क सिर्फ 10 दिन का ही है, तो मुझे नहीं पता टीज़र कैसा होने वाला है, बट एक्सपेक्टेशन हालांकि मेरी कम ही रहेंगी खास करके इंडियन 2 के बाद। एंड ये मूवी उससे पहले से ही बन रही है, इंडियन 2 के साथ के ही टाइम से बन रही है ये मूवी भी। तो उम्मीद है कि मुझे शंकर इंडियन 2 के बाद थोड़ा एक माइंडसेट देखेंगे कि वो कहाँ गलत गए इंडियन 2 में एंड आगे की फिल्मों पर ध्यान देंगे। तो खैर, गेम चेंजर तो ऑलरेडी इनकी बन चुकी है मूवी इंडियन 2 से रिलीज़ होने से पहले ही, तो उससे ज़्यादा उम्मीद मेरे को नहीं है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं बात कर सकता, पहले देखते हैं टीज़र देन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे। तो शुरू करते हैं टीज़र। वैसे तो राम से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, लेकिन उसे गुस्सा आया तो उससे बुरा कोई बन नहीं सकता। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे टीज़र कम फैन टीज़र ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रामचरण के फैंस के लिए टीज़र बनाया गया है, कट करा गया है। क्योंकि यार टीज़र में सिर्फ वही दिख रहे हैं, उनका ही एक्शन, उनकी ही स्टाइल, वही चीज़ें दिखाई गई हैं। सब्सटेंस मूवी का कहाँ है, मूवी की स्टोरी कहाँ है, वो कुछ दिखाया ही नहीं गया। तो अभी मैं शिकायत कर नहीं सकता स्टोरी से रिलेटेड, क्योंकि जब दिखाई ही नहीं गई तो ये अलग बात है कि क्या पता स्टोरी हो ही ना, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शंकर की मूवी है, तो एक्सपेक्टेशन उस मामले में एकदम ख़त्म नहीं हो सकती। तो जितना मुझे पता है स्टोरी के बारे में, वो यही है कि एक आईएएस ऑफिसर करप्शन के अगेंस्ट लड़ता है, जो पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट में जो करप्शन होता है एंड कैसे वो इलेक्शन कैसे होने चाहिए उनके बारे में वो केस वगैरह लड़ता है। तो एक इतना मुझे आइडिया है, बट जो एक्चुअल में होने वाला हो तो खैर ट्रेलर से आइडिया लग पाएगा। तो टीज़र कट ही अच्छा नहीं करा गया खास करके हिंदी ऑडियंस के लिए, उनके फैंस के लिए बढ़िया है टीज़र,
एंड साउथ के लिए भी ठीक है, बट हिंदी में थोड़ा सब्सटेंस, थोड़ा कंटेंट तो मिले यार, वो कंटेंट पूरी तरह से मिसिंग है यार। बस रामचरण ही रामचरण एंड के आर आडवाणी का बस वही लव इंटरेस्ट वाला काम उनको दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है, सही बताऊँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन 3 आ गई उसी लेवल का कैनवास। खैर शंकर की मूवी में कैनवास, लैंडस्केप एक बड़े लेवल पे वो सब तो रहते ही, वो इंडियन 2 में भी था, यहाँ पे भी लग रहा है। बट यार एक्शन वही स्लो मोशन वाला एक्शन, एक्शन में भी कुछ USP नहीं दिख रही है, कुछ हटके नहीं दिख रहा। जो शंकर मतलब यार कहाँ जा रहा है इनका गोल्डन टच, मतलब मैं पर्सनली इनका काफ़ी बड़ा फैन हूँ यार। जब उन्होंने रोबोट बनाई यार, उस लेवल पे मूवी बनाना, उस लेवल का कॉन्सेप्ट ही बनाना, आई मूवी इवन देखो आप, शिवाजी द बॉस, हालांकि मसाला प्रॉपर मसाला मूवी थी, लेकिन स्टोरी यार मज़ा आता देखने, इंटरटेनिंग लगती है, मज़ेदार होती है, मसाला होता है। बट यहाँ तो खाली मसाला ही मसाला का ओवरडोज लग रहा है, कुछ कंटेंट पे फोकस ही नहीं कर रहा है, पता नहीं, या तो हो सकता है कि ट्रेलर के लिए बचा के रखा हो। तो होप सो, अभी जल्दी मैं कमेंट नहीं कर सकता कि मेरे को पूरी तरह बेकार ही लग रही है मूवी, तो अभी ऐसा नहीं कह सकता मैं। बट अभी टीज़र तो लो साइड पे ही है, नथिंग इम्प्रेसिव। तो मूवी की जो स्टोरी लिखी है वो कार्तिक सुब्राज ने लिखी है, जो काफ़ी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं, मेन तो वो डायरेक्टर ही हैं। अभी रिसेंटली उनकी जिगर ठंडा XXX आई थी, तो डायरेक्टर तो अच्छे हैं वो, बट लेट्स सी की राइटिंग में उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। बात करूँ कुछ और एक्टर्स की, तो मेरे को तो रामचरण और किया राडवानी के अलावा कोई और खास पहचान में ही नहीं आया। कलरफुल लग रही है मूवी एकदम भाई, जैसे शंकर की मूवी में होते एकदम कलर, बड़ा कैनवास एकदम। बट यार कुछ हटके शंकर की मूवी में देखना चाहते हैं, वो मेरे को यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, सही बताऊँ मैं तो। तो मूवी संक्रांति के टाइम यानी 10 जनवरी 2025 को रिलीज़ हो रही है, एंड ज़्यादा टाइम मूवी में बचा नहीं है अभी, तो हो सकता है कि कुछ सॉन्ग्स वगैरह आए हैं, एंड कुछ ऑलरेडी सॉन्ग्स तो आ भी चुके हैं इसके, तो देन उसके बाद ट्रेलर आए, हो सकता है कि एक महीने पहले आए या फिर एक महीने के अंदर आए रिलीज से। एंड म्यूज़िक जो दिया है वो थमन ने दिया है, तो कुछ अभी मूवी में ऐसा सही बताऊँ तो कुछ भी ऐसा इम्प्रेसिव नहीं लग रहा, क्योंकि जब आप एक तकड़े डायरेक्टर की मूवी देखते हैं, आप ऐसे ट्रेंडसेटर डायरेक्टर की मूवी से उम्मीद लगा के लगाते हो, तो आपको एक तगड़ी उम्मीद होती है बेसिकली, बट यहाँ पे ऐसा सच कुछ अभी दिख नहीं रहा है। तो खैर ये अभी जल्दी मैं कमेंट नहीं करूँगा, अभी ट्रेलर का वेट करते हैं और प्रोमोस का वेट करते हैं। लेकिन ये तो मेरी राय थी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।